नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के शाही मराठा सिंधिया राजघराने के वंशज है। पिता माधवराव के प्लेन क्रैश में निधन के बाद ज्योतिरादित्य ने राजनीति में कदम रखा। ज्योतिरादित्य की शादी बड़ौदा राजघराने की राजकुमारी प्रियदर्शनी राजे से हुई। आइए अब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी आखिर कितनी संपत्ति की मालिक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे की पहली मुलाकात 1991 में हुई। उसके बाद 1994 में दोनों ने शादी कर ली। इस दंपति के दो बच्चे हैं, बेटे का नाम महारमन और बेटी का नाम अनन्या राजे सिंधिया। संपत्ति की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास करीब 450 करोड़ की संपत्ति है। जी हाँ, 450 करोड़। ज्योतिरादित्य की कुल संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें विरासत में मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम करीब 35 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। 300 करोड़ से ज्यादा की जायदाद उन्हें विरासत में मिली है। वहीं बात करें पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की, तो पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम महज 9 लाख रुपए की संपत्ति है। ज्योतिरादित्य ने साल 2019 में राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी ने अपनी मां आशा राजे गायकवाड़ से 50,000 रुपए लोन के तौर पर लिए थे। प्रियदर्शनी राजे की संपत्ति और उनके जो नाम है वो कोई भी जमीन या घर या किसी भी तरह की अचल संपत्ति नहीं है। जी हाँ, ये बेहद चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच है कि प्रियदर्शनी राजे के नाम ना तो कोई जमीन है, ना तो कोई घर है, ना किसी तरह की अचल संपत्ति है। उनके नाम पर ना तो कोई गाड़ी है और ना ही गहने हैं। हालांकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के नाम से एक रिजॉर्ट है जिसके शेयर ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी पास है। इस रिजॉर्ट का मालिकाना हक किसके नाम पर है इसकी अभी तक कोई भी पुष्टि जानकारी नहीं लगी है। हालांकि देखा जाए तो सिंधिया परिवार की छोटी बहू और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के पास आखिर इस बात के कैसे कयास और कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनके पास आखिर इतनी कम संपत्ति है और इतने कम पैसे। ना तो उनके पास गहने हैं, ना तो उनके पास अपनी कोई गाड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि या तो उनकी संपत्ति की पुष्टि जानकारी अभी तक नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति जो है वो दुनिया से छिपाई गई है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।